हाल ही दिनों में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बताया था कि यहाँ पर जो है अब 24 घंटे में से 20 या 22 घंटे लाइट कंटिन्यूटी रहेगी। अगर हाल ही दिनों में देखा जाए तो लाइट का बहरान किश्तवाड़ में बढ़ता ही जा रहा है, उस पर आप क्या कुछ बताएंगे? तौसीफ साहब, जहाँ तक डीसी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उन्होंने कहा था कि बिजली में अब बेहतरी आएगी, आपको 20 घंटा बिजली मिलेगी। लेकिन डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके ज़रिए डीसी साहब से, वो शहर में आके पहले लोगों को पूछिए कि शहर में क्या हालत है हमारे बिजली की। 20 घंटे सवाल ही नहीं है, यहाँ अनशेड्यूल पावर कट हो रहा है। बारिश का तो मामूली बहाना था, बारिश थोड़ी जैसी आ गई और यहाँ बिजली बंद हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है बिजली में। तो लिहाजा ये पीडीटी डिपार्टमेंट जो क्लेम कर रहा है, असल में अंदर से जो पीडीटी डिपार्टमेंट है, ये डीसी साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं। असल जो पोजीशन डिपार्टमेंट की है, जो खराबी डिपार्टमेंट में है, वो डीसी साहब की नॉलेज में हम आपके ज़रिए लाना चाहते हैं और एलजी इल्जामे की नॉलेज में लाना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए, कि पीडीटी डिपार्टमेंट किश्तवाड़ जो है, यहाँ जो जितने प्रोजेक्ट यहाँ बन रहे हैं, आप कीरूग लीजिए, आप कौर लीजिए, आप अफगान प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ त्रिगाम में ग्रिड बन रहा है, धर्मशाला में प्रोजेक्ट बन रहा है, और जो एग्रीमेंट इन्होंने डिपार्टमेंट ने इनके साथ किया है, एग्रीमेंट से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट वाले बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं हमने सुना कि कोई एक प्रोजेक्ट है, कुआड़ का प्रोजेक्ट, अभी बगैर एग्रीमेंट के ही वो बिजली जला रहे हैं और नजरा गिर रहा है जी, आम पब्लिक किश्तवाड़ पर नजरा उसका गिर रहा है। लोगों को किराया बढ़ा रहे हैं ये, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन प्रोजेक्ट वालों को ये एग्रीमेंट से ज़्यादा बिजली दे रहे हैं और कहीं एग्रीमेंट के बगैर ही कोई कुछ प्रोजेक्ट वाले बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें लोगों की नॉलेज में यहाँ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी यहाँ कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, काम करते करते, बिजली का काम करते करते, ये तो नेचुरल सी बात है, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ कोई खंभे पर कोई लाइनमैन काम कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो एसआरओ तिरताली में जितने भी लोग लगे हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। जितने भी एसआरओ तिरताली में एम्प्लॉयज लगे हैं, उनको इन्होंने दफ्तरों में बिठा के रखा है, कोई एससी ऑफिस में बैठा है, कोई कंप्यूटर पर बिठा के रखा है, लेकिन दुआई दे रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अगर उनको स्टाफ की कमी है, इनको स्टाफ दिया जाए। कुछ लोग तो काम करते हैं, कोई फोरमैन है, जेई है, अच्छा काम करते हैं, जितने भी लाइनमैन हैं वो भी काम करते हैं, बारिश में मैंने देखा उनको काम करते हुए, लेकिन स्टाफ अगर इनके पास कम है, वो दफ्तरों में बैठे हैं। जो टेक्निकल स्टाफ इनके पास है, जो जेई ट्रेंड है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम पकड़ा है, और जो नॉन टेक्निकल भी नहीं कहेंगे उन बंदों को हम, वो नॉन टेक्निकल भी नहीं कहेंगे और टेक्निकल भी नहीं कहेंगे, वो लोग फील्ड में हैं, मामूली से फॉल्ट आ जाता है, वो शट डाउन ले जाते हैं। लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं, जो जेईज हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेक्टर पकड़ा है, और ज़्यादातर वो हमारी नोटिस में है कि वो ठेकेदारी करते हैं। उन्होंने किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम पर कार्ड बनाया है, किसी ने बीवी के नाम पर कार्ड बनाया है, वो लोग ठेकेदारी में मुलविस हैं, और जो लोग फील्ड में हैं, वो ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं है। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है, एलजी सरकार से गुजारिश है, प्रोजेक्ट वालों को तो बिजली दे रहे हैं, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन किराया जो है लोगों को बढ़ा रहे हैं, बिजली का जो बिजली कम मिल रही है उसका नुकसान, वो जो है लोगों पर उसका नजर गिर रहा है, लोगों को बिजली मुहैया नहीं कर रहे हैं। लिहाजा आपके ज़रिए, आपके माध्यम से, यहाँ एक लाइन आप देख रहे हैं ऊपर से, ये जो 33 केवी लाइन ऊपर से ये जा रही है, इसको शिफ्ट किया था इन्होंने वहाँ से, उसमें भी हमने सुना कोई जेई काम कर रहा है, और हमने सुना है कि बगैर टेंडरिंग के, अगर ये सब बात सही होगी तो हम आगे गवर्नर को लिखेंगे, हम मरकज को लिखेंगे, ये बगैर टेंडरिंग के काम हो रहा है। अगर ये सच होगा तो हम इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर ये सही। और मड़वा वोड़वन में आप देखिए, वोड़वन में इन्होंने खंभे भेज दिए, खंभे भी लगवाए लोगों से, लेकिन वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वो भी एक घोटाला है, वो भी एक गफला है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो केबल सिस्टम हमारे किश्तवाड़ में केबल सिस्टम लगा है, आप देखिए मामूली सी बारिश आ जाती है, इंसुलेटर इनका पंचर हो जाता है, फॉल्ट आ जाता है मामूली सी बारिश से। जो यहाँ केबलिंग हुई है किश्तवाड़ में, सारा सब स्टैंडर्ड मटीरियल लगा है, और हम चाहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कौन लोग थे, कौन से ठेकेदार थे जिन्होंने यहाँ ये सब स्टैंडर्ड का काम किया, जिससे आम लोगों को परेशानी है। शाकिर साहब, एक और अहम सवाल है, आज किश्तवाड़ के अंदर स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं,
उस पर आप क्या कुछ बताएंगे? नहीं, स्मार्ट मीटर की तो दूर की बात है। मैं कहता हूँ इतना जो प्रोजेक्ट हमारे किश्तवाड़ में बन रहे हैं, पहली तो डिमांड है पब्लिक की कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए। उसके लिए यहाँ के जो एक्स MLAs हैं, MLCs हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी को आगे आना चाहिए, फ्री बिजली की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो किराया ये लोगों को लगा रहे हैं, हमें तो किराया कम होना चाहिए था, क्योंकि बिजली हमारे किश्तवाड़ से बन के बाहर जा रही है, बाहर ये लोगों को बिजली फराहम कर रहे हैं, हमारे किश्तवाड़ में बिजली बन रही है, हम लोग ये चराग तले अंधेरे की वाली बात है। तो स्मार्ट मीटर तो मैं समझता हूँ यहाँ तो जरूरत नहीं है स्मार्ट मीटर्स की, यहाँ तो इनको ये जो रेंट है, ये जो किराया लगाते हैं बिजली का, ये कम कर देना चाहिए यहाँ आम लोगों के लिए, क्योंकि बिजली हमारी यहाँ बन रही है, यहाँ से बिजली बाहर बन रही है, हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो डीसी साहब ने कहा कि अब आपको 20 घंटा बिजली मिलेगी, लेकिन अभी तक ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डीसी साहब को इन लोगों ने कहा, लेकिन मामूली सी बारिश हुई तो बिजली यहाँ बंद हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो कहाँ 20 घंटे यहाँ बिजली चलती है। तो लिहाजा ये जो सब सेंटर, ये जो मटेरियल लगा है, केबलिंग यहाँ जो हुई है, ये सारा सब सेंटर मटेरियल लगा है। और ये जो प्रोजेक्ट वाले बिजली जला रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को। प्रोजेक्ट भी ज़रूरी है, लेकिन लोग भी ज़रूरी है। लोगों को ये किराया बढ़ा रहे हैं, लोगों को ये ज़्यादा, लोगों से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर गरीब लोग बसते हैं, मजदूर तबका ज़्यादा बसता है। तो लिहाजा ये वार्ड वन का जो मसला है, वार्ड वन में इन्होंने खंभे बेचे हैं, खंभे लगाए हैं, अभी तक वहाँ बिजली नहीं है। हमने सुना उसमें भी कोई गड़बड़ है, कोई यही इसमें इन्वॉल्व है, वो भी सरकार को देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपकी नोटिस, आपके ज़रिए हम सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं, हम गवर्नर इंतजाम से गुजारिश करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे कि ये जो सरकार जो दावा करती है कि अब आपको 20 घंटा बिजली मिलेगी, लेकिन अभी तक तो वो नहीं मिल रही है, लेकिन प्रोजेक्ट वाले 24 घंटे बिजली हमारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं, लोग यहाँ तरसते हैं बिजली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।